दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप ये मोटिवेशन वीडियो क्यों देख रहे हो। सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हो या तुम्हें लाइफ में कुछ करना है? अगर लाइफ में कुछ करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हो तो इस वीडियो को यही स्किप करके जा सकते हो। देखो, जिंदगी में जब तक तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा, तब तक तुम लाइफ में कभी कुछ आगे नहीं कर पाओगे, कभी कुछ पा नहीं सकते। देखो, लाइफ यूं ही चलती रहेगी, इसमें प्रॉब्लम आते रहेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम को सामना जब तक तुम नहीं करोगे तब तक लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। मुझे नहीं पता कि इस कहानी से आप क्या सीखने वाले हैं, लेकिन अंत तक होते होते आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी को पूरा देख के ही जाना, बीच में कहीं छोड़ के मत जाना। ये कहानी बहुत ही पुराने समय की है। एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी। अब हम लोगों का मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई प्लान है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बन आई है तो इसका एक ही मात्र उपाय है, हमें आज ही अभी ही इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएगा और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारने वाले हैं, वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाला है, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को थोड़ी बात अच्छी लगी, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के, अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर हम यहाँ पर मर जाएं, हमारे पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें दुनिया में कोई भी जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जिंदगी की जंग हो या कोई भी जंग, हमें सिर्फ एक ऑप्शन रखना है। देखो, रास्ते आपको अनेक मिलेंगे, लेकिन एक ही दिशा में बढ़ते रहना। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास प्लान भी नहीं होता तो आपके पास में सिर्फ एक प्लान होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। देखो, 1000 काम करने से बेहतर है कि आप एक ही फील्ड में काम करो, एक ही फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, उस खेल में इतने माहिर हो जाओ कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाए। हर कामयाब इंसान का एक ही वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है जो उसको करना होता है। तो आपके पास भी जिंदगी में एक ही ऑप्शन होना चाहिए, सिर्फ आगे बढ़ने का, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इस रास्ते को हम छोड़ दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो मुझे आशा है कि इस मोटिवेशन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।